का मामला है। माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जवाब देना चाहिए देश को, जब कहते थे कि देश हमारा है, बॉर्डर हमारा है, तो ये घुसपैठिए कैसे घुस आते हैं। चार चार बच्चे ले आई और मोहब्बत में अपने पुराने पति को छोड़ आई, तो मुझे नहीं लगता कि प्यार किसी चीज़ की सरहदों को तो नहीं मानता है, ना ही किसी धर्म को मानता है। उसके खिलाफ़ है, सीमा हैदर के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सजा सुनाने का काम करें उनको। देश में इन दिनों सीमा हैदर जो पाकिस्तानी लेडीज हैं वायरल हैं इस समय मीडिया जगत में, और पब्लिक यही कह रही कि वो देश की सीमा में कैसे आ गई, कैसे घुसी, ये जांच एजेंसियों के लिए और सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जनता जवाब चाहती है कि आखिर उनको कैसे छोड़ दिया गया, पाकिस्तानी लेडी को कैसे अंदर प्रवेश करने दिया गया। जी सर बताइए। देखिए साहब, सीमा हैदर अगर भारत में प्रवेश करती है तो इसका सीमा हैदर के लोग जवाब नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय सीमा में उसने एंट्री किया है, तो भारतीय सीमा में जितनी एजेंसियां और सरकार, उसके सारे सिस्टम, इसकी सारी जितने इंटेलिजेंट ब्यूरो, यहां का डीएम और यहां का एसपी, यहां का डीजीपी, यहां का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, जवाब सरकार की मंशा के अनुरूप सीमा के संदर्भ में इनके प्रशासनिक अफसरों को, देश की जनता को अवगत कराना चाहिए, इसलिए कि ये भारत पाकिस्तान से जुड़ा सवाल है। भारत और पाकिस्तान के सीमा में उसके रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र को अस्थाई रूप देने के लिए हमारे कितनी माँ और बहनों का सिंदूर धुल गया साहब, कितने माँ का गोद का लाल छीन गया, तो ये अति संवेदनशील मामला है। सरकार इस पे निष्पक्षता से कार्य करे, सरकार से हम लोगों की उम्मीद भी है। क्या कहना चाहेंगे, चुनाव भी आ रहा है लक्ष्य 2024 को तहत, ऐसे मामले देश में आज आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सीमा हैदर वाला जो प्रकरण, सीमा हैदर का मामला जो हुआ है बहुत देश हित के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे देश से हमारे देश में चली आई, ठीक है कि दूसरे सीमा से ना, चाहे नेपाल के रास्ते से आए, किसी भी रास्ते से आए, हमारे देश में कहीं से भी वो हितकर नहीं है। उस पर सरकार सख्ती के साथ जांच करते हुए, वो जांच का विषय है क्योंकि हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है, तो उस पर हम उसके खिलाफ़ हैं। सीमा हैदर के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार, और उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई और सजा सुनाने का काम करें उनको। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सीमा हैदर जो वाला विवाद है ये देश के लिए बड़ा ही खतरनाक है, पब्लिक का यही मानना है। हमारे साथ और भी लोग, हाँ भैया पूछिए। सीमा हैदर इन दिनों चर्चा में है, पाकिस्तान की लेडीज इंडिया में घुस आई है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी इंटेलिजेंस फेल है, भारत सरकार की इंटेलिजेंस एलआईयू और जो है रा सारे की सारी जो है जाँच एजेंसियाँ फेल हैं, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय फेल है और रक्षा मंत्रालय फेल है। आपके सैनिक कहाँ हैं, अब किस तरह से घुसा रहे हैं? क्या नेपाल के बॉर्डर पे आपके सिपाही नहीं हैं, चाहे जिस एजेंसी के सिपाही हों, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, तो क्या कर रहे थे, कैसे घुसाई? तो ये जांच का मामला है। माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जवाब देना चाहिए देश को, जब कहते थे कि देश हमारा है, बॉर्डर हमारा है, तो ये घुसपैठिए कैसे घुस आते हैं, तो उनके शासनकाल में कैसे घुसपैठिए घुस आ रहे हैं, इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए आकर। जय श्री राम का नारा वो लेडीज लगा रही है यूपी में आकर, क्या कहेंगे यूपी सरकार को और केंद्र सरकार? पहली बात तो बड़ा जो मीडिया में उड़ रहा है कि वो चार चार बच्चे ले आई और मोहब्बत में अपने पुराने पति को छोड़ आई, तो मुझे नहीं लगता कि प्यार किसी चीज़ की सरहदों को तो नहीं मानता है, ना ही किसी धर्म को मानता है। सवाल ये आ रहा है कि उस पर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि वो देश की जासूस बन के आई है, भारत के खिलाफ आई है, तो ये बात बताइए कि अगर वो जासूस बन कर आई है तो चार चार बच्चों को क्या जिंदगी उसकी, उनको भी उसी में अपने ही जासूसी कांड में घसीटने के लिए लाई है, या उनकी जिंदगियां बर्बाद करने या उन्हें भी ख़त्म करने के लिए लाई है? कोई भी आदमी अब वो पाकिस्तान से आई है, अब स्थिति ऐसी नहीं है, अब वो लड़की इधर रहेगी तो भी मरेगी, उधर रहेगी तो भी मरेगी। मैं कारण बता देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी उसे बुलाना चाह रहे हैं,
और वो ये जाना नहीं चाह रही है, वो यहाँ ये दुहाई दे रही है कि मैं अपने बच्चे छोड़ के आई हूँ और अब अगर मैं पाकिस्तान गई तो मार दी जाऊंगी और यहाँ रही तो यहाँ ये लोग नहीं जीने देंगे, खासकर बीजेपी वाले। कारण बताते हैं उसको, अभी तक 4 दिन तक वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से बहू आ गई, पाकिस्तान से बहू आ गई। वही बीजेपी वाले 4 दिन बाद उसको कहने लगे ये एक जासूस है, एक देशद्रोही है। तो ये पहले स्टैंड क्लियर करे भाजपा की, वो है क्या चल में। मैं साफ साफ उस लड़की के फेवर में बोल रहा हूँ कि उसे समझा बुझा कर ही भेजना जाए मुनासिब रहेगा, अगर उसके ऊपर वो कोई बात है, अगर फिर या फिलहाल कुछ दिन देखा जाए। क्योंकि अगर वो जासूसी के मकसद से आई है तो वो सचिन से प्यार नहीं करती है, वो अपने इरादों से प्यार करती है जो वो ठान के आई है। क्या इरादा हो सकता है? जाए एक मिनट, वही बोल रहा हूँ, अगर वो इरादों को जो ठान के आई है तो वो परिवार में ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, वो वहाँ पर उसके परिवार में वो कहीं ना कहीं अगल बगल से वो सोर्सेज इकट्ठा करेगी जहाँ से पाकिस्तानी और लोगों को बुलाया जा सके ताकि मैं उस मिशन में कामयाब हो सकूं। ऐसा होगा नहीं और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी अगर वहाँ से अकेले आता तो ये एक सवाल बनता था। फिर भी जांच का विषय है, मगर यहाँ पर पूर्व सेना अधिकारी, बहुत ही बदतमीजी भरा बयान उनका एक टीवी में आया है, उन्होंने एक इंटरव्यू में 1 to 1 एक टीवी चैनल पर बोले हैं जिस तरीके से बदतमीजी से कि वो देशद्रोही है, उसको अरेस्ट किया जाए, उस पर ये किया जाए, उस पर वो किया जाए। और उसने पूछा रिपोर्टर ने कि 4 बच्चों के साथ आई है तो बताइए क्या वो ये इनकी जान जिंदगी को भी जोखिम में डालेगी, जो मासूम बच्चे जिन्हें भी खुद की समझ नहीं हो वो इन सब चीज़ों में लिप्त पाए जाएंगे। क्या कोई भी माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को शहीद करवाने लाएगी हिंदुस्तान के लिए, अपनी झूठी मोहब्बत के लिए? मैं झूठी और सच्ची मोहब्बत में नहीं जानना चाहता, मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि कुछ दिन सरकार को इंतज़ार करना चाहिए, उसको मौका यहाँ पर देना चाहिए। जिस तरीके से उस पर इल्ज़ाम है कि वो देशद्रोह है का वो एक मिनट आप बात कंप्लीट होने दीजिए कि वो आई है गलत इरादे से, तो वो खुद भी उस चीज़ को ज़्यादा देर तक सचिन के पास वो ठहरेगी नहीं, कहीं ना कहीं वो अपनी एक्टिविटी में आएगी। सुनिए पूरी बात, एक्टिविटी ओके। निश्चित रूप से जो शमी हैदर और सचिन का मामला है और ये जांच का विषय है, पब्लिक भी कह रही है कि देश के सीमा में कैसे घुस आई और किस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं पब्लिक में, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। उधर जो है पाकिस्तान में भी ये कहा जा रहा है कि उसको वापस लाया जाए, लेकिन यहाँ की मीडिया कह रही है यह तो प्यार है एक देश से दूसरे देश का। लेकिन जैसे राम के नारे लगाते हुए ये महिला यूपी में आकर तहलका मचा दी है और निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। बी न्यूज के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निसार। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल बी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।